और महादेव। सो गाइस, हम लोग ने आपने देखा रहेगा 6 पॉइंट्स हम लोग ने पूरा कंप्लीट किया और फाइनल अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, महाकाल के उज्जैन मंदिर के पास में जा रहे हैं और वहाँ के भी हम बहुत से मंदिर कवर करने वाले हैं, तो आप सब हमारे साथ बन रहे हैं। बोले हर महादेव। सो गाइस, हम श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रवास करने से पहले श्री महाकाल का चंदन का टीका लगवाया और महाकाल की यात्रा आगे बढ़ाई। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभो। टिक्का लगवाने के बाद हम तुरंत ही बड़े गणपति जी के दर्शन लिए और रवाना हो गए श्री महाकालेश्वर मंदिर में। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभो। नए प्रोटोकॉल के अनुसार शाम की आरती से पहले हमें अपना मोबाइल जमा करवाना पड़ता है। बोलो हर हर महादेव। सो गाइस, हमारा फाइनली बाबा का दर्शन हो गया है, बट पूरा वीडियो निकालने को पॉसिबल नहीं हुआ, बट हम लोग ने मस्त में आरती एंजॉय किया। और भाई कैसा लगा तुम्हें? सच्ची बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा भाई। सीरियसली बोला, कैसा फील आया आरती करके? आनंद आ गया भाई, है ना। और बोलो हर हर महादेव। जिनके राजा महाकालेश्वर के दर्शन के बाद हम तुरंत ही पहुंच गए हैं उज्जैन के कॉरिडोर में, जो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2022 में उद्घाटन किया था। बोलो हर हर महादेव। तो गाइस, उज्जैन के कॉरिडोर में टाइम स्पेंड करने के बाद हम तुरंत ही पहुंच गए हर सिद्धि माता शक्तिपीठ मंदिर, जो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से एकदम पास में ही है। आप अगर उज्जैन आ रहे हो तो ये मंदिर में आना बिल्कुल ना भूलिए। बोले हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हर हर महादेव। अगले दिन सुबह हम पहुंच गए रामघाट और रामघाट में आते ही हमने किया वाटर एक्टिविटी। बोलो हर हर महादेव।
गणपति बप्पा मोरया। सो गाइस, राम घाट के बाद हम फिर से पहुंच गए हैं उज्जैन के कॉरिडोर में। जो कल रात हमने मिस किया था वो सब हम आज सुबह वापस से देखने पहुंच गए। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभो। सो गाइस, फाइनली हम लोग ने बहुत अच्छे से पूरा दर्शन कंप्लीट किए। हम लोग वन नाइट स्टे किया, तो आपको ये पूरा अच्छा लगा हम लोग को, तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।